कैसे कर रही है दिव्यांका त्रिपाठी खतरों के खिलाड़ी के लिए प्रिपेयर, आइए जानने के लिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स। फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी फाइनली देखी जाएंगी खतरों के खिलाड़ी में। हालांकि उनको पहले भी ऑफर आए थे खतरों का खिलाड़ी ज्वाइन करने के, बट वो पहले अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाए। बट अब इस सीजन में वो फाइनली देखी जाएंगी और फैंस इससे बहुत खुश है। कुछ डरे भी हुए हैं बट बहुत तो ज्यादा खुशी है। इसी के साथ साथ दिव्यांका एक इंटरव्यू में बताती है कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए एंड बेसिकली उनकी फैमिली का क्या कहना है इसके लिए, तो आइए बताते हैं आपको भी। दिव्यांका ने बताया कि एक साइड पे उनकी फैमिली जो है डरी भी हुई है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस है, तो वो डरे हुए कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो हस्बैंड है विवेक दहिया, वो उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। वो और विवेक आजकल कुछ मोमेंट्स स्पेशल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ विवेक ने उन्हें एक नया फोन भी गिफ्ट किया है। उसी के साथ साथ वो बताती है कि वो जो शो है उसके लिए थोड़ा डरी भी हुई है। वो कहती है कि उन्हें पानी का डर लगता है एंड उन्हें क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो उन्हें इंसेक्ट से भी डर है, तो जो कि उनसे रिलेटेड स्टंट्स होंगे उनके लिए वो डरी हुई है। बट उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि वो अपने कंपेटिटर्स के बारे में क्या सोचती है, तो कहती है कि वो उनसे इंटिमिडेटेड तो फील जरूर करती है क्योंकि वो इतनी फिटनेस फ्रीक नहीं है और उन्होंने वर्कआउट जो है अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया है। बट उन्होंने एकदम बोला कि शी इज ओपन टू एवरी चैलेंज, सो ब्रिंग इट ऑन। एंड उसी के साथ साथ वो बताती है कि कैसे एक्टर करण पटेल ने, जो कि उनके फ्रेंड है, उन्होंने उनको ऑल द बेस्ट विश किया शो के लिए। उन्होंने कहा कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, जिंदगी भर याद रहेगा, तो आप काफी मेमोरेबल टाइम स्पेंड करोगे शो में, तो उन्होंने उनको बेस्ट ऑफ लक विश किया। उसी के साथ साथ दिव्यांका ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे उनको रोहित शेट्टी जो है एक बहुत अच्छे लगते हैं, उनको उनसे काफी इंस्पिरेशन मिलती है। रोहित शेट्टी जो है वो सबको टास्क करने के लिए इनकरेज करते हैं, उन्हें कैसे लगता है कि रोहित शेट्टी जो है उनसे पूरी आर्मी वाली वाइब आती है, और वो कहती है कि वो भी रोहित शेट्टी से इंस्पिरेशन लेगी एंड वो होप करती है कि रोहित शेट्टी उनको भी इनकरेज करेंगे एंड वो सारे जो टास्क है अच्छे से कर पाएगी, सारे स्टंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो ये सब बताया दिव्यांका ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में, और हम भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी में जो है अच्छा परफॉर्म करे। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है दिव्यांका का खतरों के खिलाड़ी ज्वाइन करने के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। दैट्स इट, स्टे होम, स्टे सेफ।